भारतीय जनता पार्टी रामपुर शहर विधानसभा में हुए उपचुनाव को जीतकर सपा नेता आजम खां के मजबूत राजनीतिक किले को ढहाने में आखिरकार कामयाब हो गई। वहीं जीत के बाद विधायक आकाश सक्सेना ने अब सिर्फ विकास के मुद्दे पर बात करने की बात कही। आपको बता दें कि देश की आजादी के बाद 1952 में आम चुनाव हुए, जिसमें रामपुर शहर की विधानसभा सीट पर या तो कांग्रेसियों का कब्जा रहा या फिर आजम खां का या फिर उनके परिवार का। लेकिन पहली बार हुए उपचुनाव में भाजपा ने बाजी मारी और सपा नेता आजम खां के मजबूत राजनीतिक किले को ढहा दिया। भाजपा के आकाश सक्सेना जहां रामपुर शहर विधानसभा के पहले हिंदू विधायक बन चुके हैं, तो वहीं वो भाजपा को पहली बार इस सीट से विजय दिलाने में कामयाब हो चुके हैं। मतगणना के बाद विधायक चुने गए आकाश सक्सेना ने मीडिया से रूबरू होकर सीधे तौर पर कहा कि रामपुर में सिर्फ विकास की बात होगी। अरे आज रामपुर में जिस तरीके का ऐतिहासिक परिणाम जो आया है, जिसपे आज भारतीय जनता पार्टी 34,000 मतों से आज जो विजयी हुई है, इसके लिए रामपुर की हिंदू, रामपुर के मुसलमान सब भाइयों को मेरा बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे चुना है, मैं उस पर खड़ा उतरूंगा। आजादी के बाद पहली बार आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ विजयी हुई है। इसके अलावा कश्मीर के बाद पहली विधानसभा रामपुर की सीट ऐसी है जहाँ पर 70% से ज़्यादा जहाँ मुस्लिम है, और उसमें आज योगी सरकार पर जो विश्वास जताया है यहाँ के मुस्लिम भाइयों ने, उसके लिए मैं सभी का, रामपुर की जनता का बहुत हाथ जोड़ के मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि रामपुर में जो 80 साल सन 80 के बाद से हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो ये खाई पैदा की गई थी, उस खाई को मिटाने का पूरा प्रयास करूंगा और ईश्वर ने चाहा एक नए रामपुर का निर्माण करने में मैं। कहा जा रहा है कि आजम खान का जो राजनीतिक करियर है खात्मे की तरफ है आज के बाद। देखिए वो चैप्टर अब क्लोज हो चुका है, अब सिर्फ यहाँ उद्योग की बात होगी, रोजगार की बात होगी और कारोबार की बात। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो नारा है, बिल्कुल उसी नारे पर यहाँ हमेशा से चले हैं और उसी नारे पर ही चले। रामपुर में कमल खिलाए तो रामपुर वासियों को क्या तोहफा देंगे? सबसे मैंने आपसे कहा ना, जिस नारे के साथ हम यहाँ उतरे थे मैदान में, रामपुर में वापस उसको उद्योग नगरी का दर्जा दिलवाएं। आकाश सक्सेना के विधायक बनने के बाद उनके समर्थक और भाजपा ही जबरदस्त जोश में नजर आ रहे हैं और ढोल नगाड़ों के साथ अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं।